लक्ष्मी को आ गया होश और लक्ष्मी की चली गई याददाश्त एंड नई लक्ष्मी की हो गई वापसी और ऋषि और पूरे परिवार को देगी लक्ष्मी उनके किए की सजा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी को हॉस्पिटल में होश आ जाएगा और ऋषि एंड पूरा ओबेरॉय परिवार लक्ष्मी को देखने के लिए लक्ष्मी के केबिन में हॉस्पिटल में होंगे और दादी वीरेंद्र सभी लोग जब लक्ष्मी से मिलेंगे और डॉक्टर सभी को लक्ष्मी से मिलवाने के बाद कहेगा कि आप लोग अब जा सकते हैं, पेशेंट्स को यानी कि लक्ष्मी को अभी आराम की जरूरत है। तभी यह सुनकर ऋषि और पूरा परिवार सभी लोग लक्ष्मी का केबिन छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन डिस्चार्ज करने के लिए लक्ष्मी को होश आएगा और ऋषि वीरेंद्र मलेश्का और पूरा ओबेरॉय परिवार लक्ष्मी को लेने के लिए हॉस्पिटल आएगा और डॉक्टर जब ऋषि को देखेंगे और ऋषि के पास उदासी से मुंह लेकर आएंगे और ऋषि डॉक्टर को कहेगा कि डॉक्टर लक्ष्मी अब कैसी है, तभी डॉक्टर कुछ बोल नहीं पाएंगे और सीधा कुछ भी बोले बिना डॉक्टर ऋषि को लक्ष्मी के केबिन में ले जाएंगे और लक्ष्मी को दिखाकर कहेंगे कि आई एम सॉरी, लक्ष्मी को पूरी तरह से होश आ चुका है लेकिन एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शॉक लगेगा और ऋषि गुस्से से कहेगा क्या हुआ है डॉक्टर, लक्ष्मी अब बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तभी डॉक्टर कहेंगे आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन अब लक्ष्मी पहले वाली लक्ष्मी नहीं रहेगी क्योंकि उसकी सारी याददाश्त चली गई है। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि गुस्से से डॉक्टर को कहेगा आप झूठ कह रहे हैं, लक्ष्मी की याददाश्त ऐसे नहीं जा सकती, वो बहुत बहादुर है। तभी यह सुनकर डॉक्टर ऋषि को कहेंगे हाँ हम समझ सकते हैं लेकिन लक्ष्मी की याददाश्त पूरी की पूरी मिट चुकी है, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी याद नहीं है। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शॉक लगेगा लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी के पास जाएगा और लक्ष्मी को बिना कुछ बोले बस देखता रहेगा तभी लक्ष्मी ऋषि को ना पहचानते हुए कहेगी तुम कौन हो। यह लक्ष्मी के मुंह से कौन शब्द सुनकर ऋषि के रूहें खड़ी हो जाएगी और ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और ऋषि के आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी मैं ऋषि हूँ तुम्हारा पति, यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी कहेगी कि मेरी शादी कब हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज मुझे बताओ ना मेरे साथ क्या क्या हुआ था, तभी यह सुनकर ऋषि सारी सच्चाई बताते हुए लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी हमारी शादी एक धोखे से हुई थी और हमने एक दूसरे की जान बहुत बार बचाई है, जहाँ पर ना कभी तुमने अपनी जान की परवाह की ना ही मैंने, हम एक दूसरे से अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्यार करते थे लेकिन मैंने कभी तुम्हें अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और इसी वजह से एक बड़ी गलतफहमी की वजह से हमारा तलाक भी हो गया था और मैं आखिर में तुम्हारी शादी करवाने के लिए एक फंक्शन में तुम्हें ले गया था। यह ऋषि की बात सुनकर लक्ष्मी अचानक से हंसने लगेगी और कहेगी ऐसा भी होता है क्या कि पति पत्नी के तलाक के बाद उसका ही पति उसकी पत्नी की शादी किसी के साथ करवाने के लिए ले जाता है क्या। तभी यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना ऋषि का साथ छोड़कर हमेशा के लिए हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज होकर चली जाएगी, जिसके बाद कहानी को कुछ महीना आगे बढ़ा दिया जाएगा और कुछ महीने बाद लक्ष्मी फिर से मॉडर्न लक्ष्मी बनकर लौट कर आएगी, जहाँ पर लक्ष्मी ने बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह सूट पहने होंगे और बड़ी सी कंपनी को हैंडल करी होगी, जिस वजह से ऋषि को बर्बाद करने के लिए लक्ष्मी एक माँ काली का रूप लेकर ओबेरॉय के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए वापसी करेगी। और बिल्कुल आप ऐसा ही होता हुआ देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऐसे ओबेरॉय परिवार की खुशियों के लिए लक्ष्मी की याददाश्त जानी चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को पहले की तरह एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।